रीजनिंग का फर्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं जो कि पैटर्न बेस्ड है। फर्स्ट में ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक गिवन है। फर्स्ट ब्लॉक का डाटा फिल है, सेकंड ब्लॉक का भी डाटा फिल है, लेकिन थर्ड ब्लॉक में एक डाटा अनफिल है जिसे मुझे फिल करना है। तो अब इस ब्लॉक के पैटर्न, इस ब्लॉक का पैटर्न और क्यों मैच करते हुए इस ब्लॉक के में डाटा को फिल करना है। तो देखते हैं कैसे फिल हो सकता है। तो 9, 5, 106, 56, फिर यहाँ 16 है, 4 है, 2, 7, 2 है, 2, 4, 0, यहाँ 21, 20, 41। तो यहाँ पे 9, 5 और 106, 56 ये दोनों का स्क्वायर क्यूब का यूज करके हम लोग इस पैटर्न को चेक करते हैं। चलिए पहले स्क्वायरिंग करते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इक्वल टू 106। 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 25 इक्वल टू 56। 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 का स्क्वायर 60 इक्वल टू 272। 16 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 16 इक्वल टू 240। सिमिलरली 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 प्लस 400 इक्वल टू 841। 21 का माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 441 माइनस 400 इक्वल टू 41। ये तीनों पैटर्न एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा सोचना सही था और मेरा आंसर 841 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में एक स्क्वायर गिवन है और उसमें डाटा फुलफिल है। अब एक क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पे मुझे फुलफिल करना है। सबसे पहले यहाँ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक पैटर्न तो मुझे आसानी वे में दिख रहा है, 9, 5 या 45, 8, 2 या 16, 6, 5 या 13। दूसरे पैटर्न को मुझे पकड़ने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं दूसरे पैटर्न में क्या हो सकती है। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 605 है। ये दोनों से डाटा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब मुझे स्क्वायर या क्यूब का सहारा लेना होगा। चलिए हम लोग क्यूब करते हैं। क्यूब माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू
9 माइनस 1 2 5 इक्वल टू 6 0 4। 8 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 5 1 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 2 जा 8, ये 8 होगा, 5 0 4। 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब 2 1 6 माइनस 1 2 5 इक्वल टू, 6 में 5 माइनस होगा 1, 11 में 2 माइनस होगा 9, 1 में 1 माइनस होगा 0, तो मेरा आंसर 91 हुआ, जो कि यहाँ पे फुलफिल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में 3 ट्रायंगल गिवन है, उसमें डाटा फिल है, दो डाटा फिल है, लेकिन तीसरे में डाटा एक ब्लॉक खाली है जिसे फिल करना है। अब यहाँ पर नंबर पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते, सेम रूल लगाने की कोशिश करेंगे, इसके डाटा को चेक करेंगे, फिर इस डाटा को चेक करेंगे और वापस इस दोनों को मैच करेंगे, दोनों में सही है या नहीं, उसके बाद तीसरे पे हम लोग फिल करेंगे। तो चेक करते हैं, 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। अब यहाँ 13 माइनस 6 इक्वल टू 7 हुआ और 17 माइनस 8 इक्वल टू 9 हुआ, तो यहाँ पर मुझे 42 पुराना, यदि इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 हो गया। यहाँ 54 पुराना है तो 9 है, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 54 हो गया। इसका मतलब दोनों नंबर, इस दोनों के सब्ट्रैक्शन को, फिर इस दोनों के सब्ट्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर मेरा प्राप्त होता है। उसी प्रकार इस दोनों के सब्ट्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर मिल जाएगी। तो 27 माइनस 9 इक्वल टू, 27 में 9 माइनस होगा तो 18 मल्टीप्लाई 6, 108, तो मेरा आंसर 108 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल एक वर्ड के रूप में है और उसमें सभी डाटा फिल है, एक अनफिल पार्ट है, ब्लॉक है। ये तो देखने से बिल्कुल आसान लग रहा है, 4 8 32, 6 3 18, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। इस जगह डाटा मेरा 20 होगा। नेक्स्ट रीजनिंग देखते हैं क्या है। 4 6 5 29, 3 5 3 18, 2 6 4 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम लोग फिर सोचने की जरूरत है क्या करें, जो 29 होना चाहिए यहाँ पे 18, तो 4 6 5 को यूज करके मुझे 29 पुराना है और 3 5 3 को यूज करके 18 पूरा करना है। तो देखते हैं कैसे पूरा हो सकती है।
यदि हम 4 × 6 कर दें, फिर वापस इसमें 5 को प्लस कर दें तो 29 मिलती है। फिर सिमिलरिटी 3 × 5 प्लस इसमें 3 कर दें वापस तो मुझे 18 मिलता है। इसका मतलब मेरा सोचना सही था। और 2 × 6 + 4 = 16, अर्थात मेरा आंसर 16 होगा। इस ब्लॉक में 16 फिल होगा। नेक्स्ट रीजनिंग देखते हैं क्या है। यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म है, ट्रायंगल के शीर्ष के अंदर 3 डाटा फिल है और एक जगह अनफिल है, इसको मुझे फिल करना है। यहाँ भी सेम पैटर्न की कोशिश बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ 12 है, 24 है, 36 है, 18 है, 30 है, 24 है, फिर यहाँ 19 है, 13 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे यहाँ सोचने की जरूरत है आखिर इसका पैटर्न क्या है। यदि हम यहाँ पे 12 है, 12, 24, 3, इसको 12 में 12 को प्लस करते हैं तो 24, 24 आप 12 को प्लस करते हैं तो 36 हो रहा है। फिर इसे सेम चेक करते हैं यहाँ पे हो रहा है या नहीं, 18 है, 18 में 12 को प्लस करते हैं तो 13 होती है, लेकिन 13 में वापस 12 को प्लस करेंगे तो 42 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24। इसलिए हम जो सोचे थे वो मेरा सोचना गलत है। अब फिर अब दूसरे वे में सोच सकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख 12 है, 24 है, 36 है, तो सारे डाटा को हम लोग प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो 12 + 24 + 36 = 72, 18 + 30 + 24 = 72, दोनों का इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में डाटा का सम 72 हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो तीसरा ट्रायंगल है उसका भी डाटा का सम 72 होना चाहिए। तो प्लस करते हैं, 19 + 13 + ?72 होना चाहिए। क्या फील कराए यहाँ जो 72 हो जाए, तो इस दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और उसके बाद 72 में माइनस करेंगे। तो 72 − 19 + 13 = जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 40 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल में एक स्क्वायर गिवन है और सारे डाटा फिल है, एक अनफिल डाटा है, इसको मुझे फिल करना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में देखते हैं, 7 28 8, 9 45 क्वेश्चन मार्क, थर्ड में 12 36 6। अब मुझे यहाँ पे फिर सोचने की जरूरत है। 7 है, 28 है, 8 है, 7 × 8 करते हैं तो 56, 56 का हाफ 28 होता है। चलिए ठीक है, ये 12 है, 6 × 72, 72 का हाफ 36 होता है। इसका मतलब मेरा सोचना सही है। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। 7 × 8 / 2 = 28, 12 × 6 / 2 = 36, तो 9 × x / 2 = 45। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 9 × x = 45 × 2,
9 से 45 कैंसिल, 5 टाइम में x इक्वल टू हो गया 10, तो ये ब्लॉक मेरा फुलफिल करेगा 10 से। चलिए नेक्स्ट रीजनिंग देखते हैं क्या है मेरे पास। अब है 8, 6, 7, 9, 13, 11, 3, क्वेश्चन मार्क 4। अब यहाँ पे 8 प्लस 7 करते हैं 15, फिर 6, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं 8 प्लस 6 14, 14 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, फिर 9 प्लस 13 22, 22 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे 11। चलिए ये मेरा सोचना सही है, तो इसी बेस पे हम सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करते हैं। 8 प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मेरा हो 7, 9 प्लस 13 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 11। सिमिलरिटी 3 प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8, सॉरी 4। अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, जब इसको इस तरफ लाएंगे लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है जो कि इक्वल टू के तरफ ट्रांसफर करने पे डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग 3 प्लस एक्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 हुआ। तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तथा मेरा यहाँ पे आंसर होगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है 6, 3, 8, फिर है 2, 7, क्वेश्चन मार्क 3, 5, 9, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मुझे फिर से सोचने की आवश्यकता है क्या क्या जाए जो मेरे ये क्वेश्चन मार्क फुलफिल कर जाए। 6, 3, 8 में सोचते हैं कुछ मिल जाए। 6, 3 या 18, 18 को वापस 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 होता है, ये नहीं हो रहा है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 6, 3, 8, 2, 7, क्वेश्चन मार्क और 3, 5, 9। चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते, ऊपर के दोनों ब्लॉक को सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 18 है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 18 है, 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 8 में क्या माइनस करें जो 9 होगा, तो 8 में कुछ भी माइनस करेंगे 9 नहीं होते, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से कैरी लेना होगा, एक कैरी लेंगे कि 18 हो जाएगा। 18 में यदि हम 9 को माइनस कर दें तो 9 होगा, तो फिर यहाँ पे हो जाती है 2। अब 2 एक कैरी लेंगे तो 12, 12 में 7 माइनस होगा तो 5, और वापस यहाँ पे 5, 5 में 2 माइनस होगा तो 3। इसका मतलब
यहाँ पे जो फुल फिल होगा वो 9 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में बहुत देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा लग रहा है, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं, सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं क्या है? 18 है, 36 है, 12 है, 32 है, 42 है। अब यहाँ पे 54, 48, 44, 74, 46 क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करें, जो 18 और 36 के बगल में 54 का डाटा है, तो क्या करें इन दोनों को जो 54 हो जाए। तो 18 प्लस 36 करते हैं तो 54 हो रहा है। सिमिलरिटी 36 प्लस 12 करते हैं तो 48 हो रहा है। सिमिलरिटी 12 प्लस 32 करते हैं तो 44 हो रहा है। फिर 32 प्लस 42 करते हैं तो 74 हो रहा है। 42 प्लस 28 करेंगे, दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो मेरा आंसर 70 होगा, जो कि इस जगह फिल होने वाला है।